बनी इसराइल का एक वाक्य आपके सामने पेश करता हूँ। बनी इसराइल का एक गुनाहगार शख्स था, जब वो इस दुनिया से चला गया, मर गया, तो लोगों ने उसको बगैर जनाजा पड़ाए कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। और उसकी रीजन ये थी कि गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है, लिहाजा इसके लिए हक नहीं बनता कि जनाजा पड़ाया जाए। ना कभी नमाज पढ़ी, ना कभी रोजा रखा, ना नेक अमाल किए, ना इबादत, ना सजदा, ना रुकू। वो हक ये है कि इसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाजी हो तो वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीब भी जो ठहरे तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, फरमाया ऐ मूसा, मेरा एक बंदा है जिसे लोगों ने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है, उसे वहां से उठाओ, उसे लहलाओ, दुराओ, खुशबू लगाओ, उसका जनाजा पढ़ाओ, प्रोटोकॉल दो और अपने हाथों से दफना दिया। सुभानअल्लाह, पैगंबर को आर्डर हो रहा है, एक नबी को आर्डर हो रहा है, आप जाएं, रसूल को आर्डर हो रहा है, जा करके इसको इज्जत के साथ, वकार के साथ इसको दफना दिया जाए। मूसा के सलाम जानते हैं इसको लोगों ने इस तरह इसलिए किया, पूछा गया, बताया गया कि इस वजह से इसको हमने कूड़े पर डाला, लेकिन उस वक्त ऑर्डर माने था कि राम का ऑर्डर है तो चुप कर, मेरे लिए इंतजार नहीं है वार्नर। भाई राम ने कह दिया है तो ठीक है, जाकर हम उसे कूड़े के ढेर से उठाते हैं। चुनाचे उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उठवाया, सबको जमा किया, कहा उठाओ इसको यहां से, ले आओ। बाकायदा उसको गुस्ल दिया गया, उसको खुशबूएं लगाई गई, उसको दफनाया गया, उसको जनाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ाकर फिर दफनाया। लोगों ने पूछा मूसा ये वजह क्या बनी, ये हुआ क्या, इतना गुनाहगार शख्स और जनाजा वक्त का पैगंबर पढ़ाए, वजह क्या बनी। अल्लाहु अकबर, मूसा कैसे ये और ना बंदा ना बंदे का दिल वेखते, जो वेखन ते बंदे का दिल वेखते, ये वजह क्या बनी। कहा मैं अगर अल्लाह तुम्हारे को तआला से पूछता हूं तो क्योंकि कलीमुल्लाह थे, हम कलाम होते थे, अल्लाह से बातें करते थे, तो अल्लाह तुम्हारे को तआला से पूछा, या अल्लाह गुनहगार के साथ ऐसा मामला और करवाने वाला तू अल्लाह, तेरी इतनी करम की बारिश है, इतनी रहमत की बारिश है, और एक गुनाहगार उसके ऊपर इसकी वजह और सबब क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा था तो ये गुनाहगार, था तो ये सयाहगार, कोई शक नहीं, लेकिन एक मरतबा इसने एक अदा ऐसी की मुझे पसंद आ गई। कहा क्या हुआ, कहा एक मरतबा इसने उंगली फेरता जाता था इसे कहीं पर लगा ये मोहम्मद का नाम है, मेरे मोहम्मद का नाम तो फिर है ही ना, वो तो हमारे आका का नाम हर सहीफे में, हर किताब में, हर नबी के लिए था, हर नबी के लिए आदर था कि अपनी उम्मतियों को दावत दे दी है कि नबियों आखिरुज़्ज़मान कौन है, बताना है कि नबी आखिरुज़्ज़मान कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, बल्कि इस शर्त पर तो नबूवत दी गई थी, वइद अखदल्लाहु मीसाकन नबीयीना जमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमतिन थुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व तनसुरुना قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين।
अल्लाह ताला ने नबियों से वादा लिया था, नबियों को मैं नबूवतें दूंगा, हिकमतें दूंगा, एक ही कंडीशन और शर्त है, मेरा नबी आए ना तो उसको मान लेना है, मेरी मेरे नबी पर ईमान लाना है, मेरे नबी के तस्करे करते, मेरे नबी की बातें करती है। यही वजह है कि सारे अंबिया अपने मानने वालों को हुजूर का पता बताते रहे, हुजूर की शान और अजमत सिखाते रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो वो वाकया भी कुरान जिक्र करता है। कुरान कहता है कि हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से जब कहा, क्या कहा, यक्ति बिल्बास्मुहु अहमद, अपने हवारियों से कहा, अपने मानने वालों से कहा, अपने सहाबा से कहा, अपने उम्मतियों से कहा, याद रखो मैं तुम्हें बिशारत देता हूं, खुशखबरी सुनाता हूं कि मेरे बाद आने वाले का नाम अहमद होगा। तो जोर सलाम का नामे नामे इसमें ग्रामी मोहम्मद लिखा हुआ था, तो उसने ना ऐसे उंगली फेरते फेरते उसको चूम लिया, फरमाया मेरे नबी के नाम को, खातमुन नबियीन के नाम को, मेरे महबूब मोहम्मद के नाम को चूमना था, मेरी गैरत ने गवारा न किया, जो मेरे नबी से मोहब्बत इस कदर करता है, मैं उसे कैसे जहन्नुम में फेंकूं, मैं किस तरह उसका प्रोटोकॉल उसको ना दूं, मैं कैसे उसको कूड़े के ढेर पे रहने दूं, बस मेरे अपने महबूब की इज्जत करने की वजह से, मेरे महबूब के नाम की इज्जत करने की वजह से, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम है मोहम्मद। और किसी ने कहा था ना कि मैं खाना सहारा देता है, ना जाम सहारा देता है, मैं खाना सहारा देता है, ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता है। तो ये नाम है जो कोई काम बिगड़ने नहीं देता। इकबाल कहते हैं दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा, आग हुए बाज नामे मुस्तफा, हुजूर के नाम से हमारी इज्जतें जुड़ी हुई है, हुजूर के नाम से हमारी तमाम तर तवानाइयां खर्च होनी चाहिए, तमाम तर ताकतें हुजूर के नाम पे लगनी चाहिए। यही वो नाम है कुव्वते इश्क से हर वस्त्र को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते, इसमें मोहम्मद, नाम मोहम्मद। आज हम सबको ये सोचना होगा कि हम नाम मोहम्मद की कदर कितनी करते हैं। आज तो हम शर्माते हैं, नाम मोहम्मद आ रहे हैं तो हम तो छोड़ने से भी शर्माते हैं, एक अलामत होती है ना। आज भी इस दिला में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जब आप जाते हैं हिजरे असवद को चूमने के लिए, हाजी या उमरे पे लोग जाते हैं तो वो पहले होता था रश नहीं होती थी तो उसको चूमते थे, अब हजरे असवद जो है उसको दूर से इस्तेलाम किया जाता है। इस्तेलाम किसे कहते हैं कि ऐसे इशारा उसकी तरफ करके पत्थर ना चूमो, हाथ चूमो। भाई क्यों क्यों वजह क्या है, ये इस्तेलाम क्यों हो रहा है, पत्थर चूमना तो समझ आता है, लोग हमें कहते हैं हुजूर मुंह तो चूमो ना, हुजूर है ही नहीं तो नाम कैसे चूमते हो, नाम भी तो नहीं चूमते हो, मुंह क्यों चूमते हो, तो मैं कहता हूं तुम भी तो पत्थर नहीं चूमते, तुम तो इस्तेलाम करके चूमते हो तो अपना हाथ को, कहानी निस्बत तो दर हो गई है, बात तो सारी निस्बत की है, जिसने निस्बत हुजूर से जोड़ ली है और निस्बतन हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने ये वजह कि अशरफ अली थानवी जैसे बंदे ने भी बहादुर नवादर किताब के सफर नंबर 409 सफा आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ जब उसकी किताबें छपती हैं उसके ऊपर लिखा, सवाल हुआ कि बताओ नाम मोहम्मद चूमना कैसा, उसने कहा मोहब्बत से चूमो तो कोई हर्ज नहीं। तो हम कैसे चूमते हैं, मोहब्बत से के नहीं, कोई अपने बेटे को चूमता है, कोई गिलाफे कावा चूमता है, कोई गिलाफे कुरान चूमता है, कोई किसको के किसको चूमता है, ऐसे मोहब्बत में प्यार में किसी से प्यार हो तो बंदा चूमता है, मेरा बेटा होता है ना। अगर मोहब्बत में इशारे किनारे में दूर से भी बेटे को चूमा जा सकता है, माँ को चूमा जा सकता है, दीगर नामों को चूमा जा सकता है, मोहब्बत में मोहब्बत के नाम को क्यों नहीं चूमा जा सकता, लोग चूमते कि नहीं चूमते। भाई प्यार आ गया, मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, ऐसे ही प्यार देती है, क्यों, भाई एक निस्बत है, बच्चे हैं फोन पे बातें कर रहे हैं और फोन पे बातें करते हुए चूम लेते हैं,
अब वो बच्चा इधर तो नहीं है, बच्चा तो कहाँ बैठा हुआ, चुना कैसे तुमने? ऐसे मेरा बेटा मेरा बेबी करते ना, तो वो कहाँ पे है, वो दूर है। तो इसकी दलील बताओ क्या है, कहा सराय इसके दूर समझ नहीं आती कि ये मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है। तो इस मोहब्बत में शर्माए नहीं, गंदी बातों में शर्माए और बात है, गलत कामों में शर्माए और बात है। ये तो हुजूर का नाम है, जब भी नामे नामी आए मोहब्बत से चूमना, ये इंसान की मुसलमान की एक फितरत है, फितरी बात है। हुजूर का नाम आ गया, अल्लाह अकबर। अच्छा, इसमें ये इतराज भी हो सकता है कि अल्लाह का क्यों नहीं चूमते थे, अल्लाह बड़ा है कि रसूल, यकीनन अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की क्या कहने, अल्लाह तो फिर अल्लाह है, अल्लाह अकबर। वो बनाने वाला हुजूर बनने वाले, वो खालिक हुजूर मखलूक, वो मुराद हुजूर मुरीद, वो राज़िक हुजूर मरज़ूक, कोई जोर नहीं है, कभी किसी ने कहा भी नहीं है, कोई जोर नहीं है। पर वो बना के खुद ही प्यार करे तो हम क्या कहें, वो बना के खुद ही कहे कि चल तू मेरे साथ फला फला काम में, तू भी मेरे साथ ही, और मैं इसकी मर्जी मेरी मर्जी, इसकी रजा मेरी रजा, या तो तू बताए तेरी रजा, ना इसकी रजा मेरी रजा। भाई ये मेरे रसूल का फकत अताअता, जो रसूल की इताअत करेगा वो मेरी इताअत में माना जाएगा। क्या अल्लाह से तेरी करना चाहते हैं, फरमाया मेरे बबूल भी करना, समझ ले मेरी ही हो रही है। बात है कुरान पाक में बेशुमार आयात आपको महसूस होगी, नजर आएगी, जहां इशारा करके महबूब की तरफ इशारा करते, एक ही चीज में शामिल कर देते, चीज एक जिक्र हो रहा है। मसलन फजल का जिक्र होता है कि फजल अल्लाह फरमाता है मेरा फजल और मेरे रसूल का फजल, मेरा फजल और मेरे रसूल का फजल, यदि एक ही सीने में जमा कर दिया और इशारा किया तो दोनों की तरफ अलग इशारा नहीं किया, अल्लाह का फजल और रसूल का फजल, फरमाया दोनों का एक ही फजल। ये अल्लाह तबारक व तआला ने शान अता फरमाई, वो खुद रऊफ है, वो खुद रहीम है, और हुजूर के बारे में कुरान में कहता है मेरा महबूब भी रऊफ रहीम है, फिल मुमिनीन रऊफ रहीम। रहीम कौन है, किसकी जात है, अल्लाह की, पर रसूल अल्लाह की जात भी है, कुरान कहता है उनको भी लकद मनल्लाहु अलल मुमिनीन बाअथिहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम मिन मुमिनीन रऊफ रहीम। इसी तरीके से जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने साथ रखा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस वाक्य से हमें समझना चाहिए कि हमें नामे मोहम्मद की कदर करनी है, खास कर वो उराके मुकद्दसा जिन पर अल्लाह और उसके रसूल के नाम लिखे होते हैं उन्हें उठाएं, गली में जाते हैं गली से उठाएं, वो नाम उठाने से आपको अल्लाह उठा देगा, आपको इतना उठाएगा आपको दुनिया और आखिरत में आपको नीचे कोई नहीं गिरा सकता। ये उस नाम की बरकत है, अल्लाह और रसूल का नाम अक्सर बेस्तर लिखा होता है, अखबारात में लिखा होता है, कागजों पर लिखा होता है, स्कूल की बुक्स में लिखा होता है। हम जो है उसकी कदर ये करते हैं कि रोटियां उसमें डाल डाल के ले आते हैं, उसमें जो है ना मुख्तलिफ चीजें डाल के ले आते हैं, छोले बेच रहे हैं और कोई पता नहीं कि ये अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है, छोले खाए वो तो अंदर चले गए, उनको संभाल के रख दिया इनको फेंक। तो जितनी ज्यादा हम नाम खुदा या नाम मुस्तफा और अल्लाह वालों के नाम से इस्लाम दीन के कुरान के नाम से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह इतना ही उरूज अता फरमाएगा।